क्लास 7th एक्सरसाइज 2.1। हमने पिछले क्लास में लेक्चर जो क्लास ली थी उसमें हमने इसका चैप्टर की शुरुआत करी थी। इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देख लेना, तभी 2.1 पे आनी है। इसमें सॉल्व करना है, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं 6 में, प्लस करना कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एट्थ सेवन्थ, ये हमारे पास सवाल है। साइन से में पता लग जाए क्या करना है, माइनस है तो माइनस करना है इसमें। तो इसको पहले करने से पहले हम इसे चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, प्रॉपर एंड प्रॉपर में, कि मिक्स्ड में कोई भी नंबर होगा, ये मिक्स्ड नंबर है, ये हमने पहले वीडियो में देखा था, तो इसे प्रॉपर एंड प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो बताया था मैंने मेथड भी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 और 1 17, 1 2 माइनस 8 3 24 5, 29 1 8। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, इसको इससे डिवाइड करना होता है पहले, कितना आएगा 2 4 8, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 17 से, ऐसे 8 की 8 से करेंगे तो 8 ही आएगा और 29। सिक्सटी एट माइनस 29 फोन में 8, इसमें से इसको माइनस किया 39/8 आया, इसको हम डिवाइड करके मिक्सड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं तक आंसर लिख छोड़ रहे हो तो यहाँ तक भी सही माना जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बताया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सभी आपको नाम से पता लग रहा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसमें बस में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं तो हम इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर ही देखेंगे। डिसेंडिंग मतलब होता है डिक्रीजिंग, असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग, मतलब हमें घटते हुए ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। घटते हुए का मतलब पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, जैसे डिसेंडिंग मान लें जैसे 3 आ गया, 2 फिर 1, तो ये हो गया घटते हुए क्रम, बड़ा फिर छोटा इस, और एंसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, पहले 1 आएगा, छोटा फिर बड़ा, फिर जैसे इसका ये सवाल दिया हुआ है टू अपॉन 9, 2/3, 8/21। तो हमारे पास ये सवाल है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं सिंपल इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 9 3 21। एलसीएम निकालना आता है ये सबको, हमने एलसीएम निकाला 63 आ गया, वैसे जैसे हमने ऊपर किया था, जैसे कि एलसीएम लेने के बाद फिर हम इससे डिवाइड करते हैं, फिर हम प्लस करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 7 63, 7 में 7 की मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे 3 31 मल्टीप्लाई 2 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को इससे किया था 20 बनाया था, इसको इससे करेंगे 3 आएगा मल्टीप्लाई में 8। हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं 14/63,
तो पता लग गया। ओ सॉरी, हम पास ये नंबर आ गए, इसको हमने अलग लिख लिया। अब ये हमें पता, ये वाले इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, और ये इसके सिमिलर है। तो हमें करना क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ये और ये किसी सिमिलर ही है। मतलब हमारा आंसर होगा 2/3, ये सबसे बड़ा माना जाएगा। फिर इसमें से बड़ा कौन सा है, ये, तो फिर आएगा ये वाला 8/21। फिर आएगा ये वाला जो बचा है लास्ट में, बस ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे आगे की भी सम्स है। अब इसमें जैसे दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, वो इतने मीटर, इतनी सेंटीमीटर लॉन्ग है और इतनी सेंटीमीटर वाइड, मतलब इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है, तो इसका पैरामीटर निकालो। तो ये एग्जांपल अगर आप देख लोगे इसके, तब भी आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर पैरामीटर फॉर्मूला होता है 2 × में एल प्लस बी। ये आप कहीं से भी ढूंढ भी सकते हो, बुक में भी आपको पीछे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आगे भी कुछ सवाल दिए हुए हैं। पैरामीटर में कुछ नहीं करना होता है, मैं सबको ऐड कर देना होता है बस। तो एग्जाम्पल देख लोगे तो भी आपको ये आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 2.1 कम्प्लीट हो जाएगी। 2.1 में सिर्फ सब्ट्रैक्शन है और ऐड है। इसके आगे हम आएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन पे, वो 2.2 में आएगी। थैंक यू।